इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला साहब मौजूद है। चौटाला साहब, आज जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो बजट पेश किया गया, किस तरह का बजट देखते हैं? मैं समझता हूँ बहुत लोक लुभावना बजट है, आम गरीब आदमी के लिए, किसानों के लिए खास करके, और जो पिछड़ी और गरीब जाति है उनके लिए, अनुसूचित जाति के लिए बहुत बड़ा महकमा फैसला हुआ है। सबसे पहले तो ये हुआ है कि आप ये देखें कि 1,89,000, मतलब 1,90,000 करोड़ का बहुत बड़ा बजट है, जो अब हरियाणा के हिस्ट्री में सबसे बड़ा बजट है। दूसरा ये है कि इसमें हमारी जो पेंशन है वो 2013-14 में, जब कांग्रेस टाइम में 1,00,000 थी, वो आज बढ़ा के 3,000 कर दी। ये एक, मतलब कांग्रेस टाइम से 3 गुना ज़्यादा बड़ी, सबसे ज़्यादा पेंशन दी जा रही है, बहुत बड़ी है। तीसरा इसमें यह हुआ है कि पावर सेक्टर के अंदर हमें 200-400 मेगावाट की कभी कभी प्रॉब्लम आती थी जुलाई अगस्त के महीने में, जब थोड़ी सी पावर में हमें कभी कट लग जाते थे। अब ये हो गया कि हमने 800 मेगावाट के एक यमुनानगर में थर्मल लगा दिया, जो ऑलरेडी सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गए जिसके, और एक 800 मेगावाट का उड़ीसा से हम जो कर रहे हैं, हमारे जो हरियाणा की जो खरीद फरोख्त करने वाली जो एजेंसी है वो करेगी, उससे हमें 1600 मेगावाट बिजली हमारे हाथ में, ये बहुत बड़ा फैसला है। तीसरा, गांव में जो 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले गांव हैं उनके अंदर एक जो टिप ड्रॉपर जो उन्होंने बनाया है उसके साथ ड्राइवर देने की पेशकश करिए। गांव में सफाई का मामला पहली बार हुआ कि 11,000 से 18,000 सफाई कर्मचारी कर दिए गए, तो गांव वो जो 10,000 से ज़्यादा वाली आबादी है उनमें शहरों जैसी लुक आ जाएगी, बहुत सफाई का काम हो जाएगा। इसके अलावा एक जो अभियाना माफ़ करा है, माल अभियाना, जो आज तक ब्रिटिश टाइम से अब तक लगा रहा है, किसी स्टेट में भी अब तक किसी ने नहीं देखा, हमारे यहीं ये करा है, उसका जो माफ करा है वो बहुत बड़ा एक फैसला है, जिससे आम किसानों को सबसे बड़ा मैसेज ये जाएगा। सर, एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी की ओर से की गई है, 5 लाख किसानों का ब्याज और पेनल्टी जो है वो माफ की गई है, तो बहुत बड़ी घोषणा इसको कहा? बहुत बड़ी घोषणा। अब किसान इस बात में होंगे, अपना पैसा जमा करेंगे, जो बेसिक अमाउंट है, थोड़ा अमाउंट है, वो कराते उन्हें नया पैसा मिल जाएगा। ये उन्हें खड़ा करने के लिए 5 लाख किसानों को बहुत बड़ा, जो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, जो अब तक इस तकलीफ में थे कि हम वो जो इस दबे हुए थे कि हम ये ब्याज ये कब करेंगे भरेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आंकड़ों का बजट है, नाकाफी है ये बजट। देखिए, विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष तो हमेशा कोई भी बात कितनी अच्छी बात कहे दो, उसको भी राम मंदिर बनाओ उस पर भी अल्लाह मचाए, इन्होंने बताओ उस पर विपक्ष की बात को, जब कश्मीर में 370 हटाया उस पर भी ये कहने लगे कि देखो वहाँ क्रांति हो जाएगी, खून बह जाएगा। विपक्ष अपने तरीके से कहता है, उनका पॉलिटिकली होता है, वो देश के लिए नहीं सोचते, हमने जो करा है वो देश के लिए करा है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सभी वर्गों का इस बजट के अंदर ख्याल जो है वो कहीं ना कहीं रखा गया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़।